स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। दूसरा, लुक एट माई मार्क्स, आई गेट ओनली 40 मार्क्स इन माई इंग्लिश टेस्ट। आई गेट यानी मैं पाता हूँ या फिर मुझे मिलता है। उदाहरण के लिए, गेट इट फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार में से प्राप्त करो। गेट योर पेंसिल एंड राइट इट डाउन, टू राइट यानी लिखना और राइट डाउन यानी लिख लो। इस वाक्य का मतलब होगा, पेंसिल लाओ और लिख लो। ही गेट्स 500 रुपीज पर मंथ। पर मंथ यानी हर महीने। इस वाक्य का मतलब है, उसे हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। आई गेट अ प्राइज इन इंग्लिश, प्राइज यानी पुरस्कार। इस वाक्य का मतलब है, मुझे अंग्रेजी में पुरस्कार मिलता है। याद रखिए दोस्तों, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। इसका स्वरूप नीचे दर्शाए अनुसार होगा। आई गेट यानी मैं पाता हूँ। वी गेट यानी हम पाते हैं। यू गेट तुम प्राप्त करते हो। यू गेट तुम प्राप्त करते हो। ही गेट्स यानी वह पाता है। दे गेट वे पाते हैं। तीसरा, हाउस दैट। हाउस हाउ इसका संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है, ऐसा कैसे होता है। जब न समझ में आए ऐसा कुछ बना हो, तब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हाउस दैट इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनिल हैज नॉट गॉट द प्राइज, हाउस दैट। अनिल को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कैसे। यू आर नॉट प्लेइंग विथ मी टूडे, हाउस दैट। आज तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे हो, ऐसा कैसे। इट इज टाइम टू गो होम बट द बेल हैज नॉट रंग, हाउस दैट। आर आई एन जी रिंग का भूतकृदंत रूप है आर यू एन जी रंग। रंग यानी बजा हुआ, बट यानी लेकिन। इस वाक्य का मतलब होगा, घर जाने का समय हो गया है परंतु बेल नहीं बजा है, ऐसा क्यों। चौथा, आई डोंट गेट इनफ टाइम टू स्टडी। आई डोंट गेट यानी मैं पाता नहीं हूँ या मुझे मिलता नहीं है। यह आई गेट का निषेधवाचक है। इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में। उदाहरण के लिए, आई हैव इनफ पेपर्स फॉर राइटिंग, लिखने के लिए मेरे पास पर्याप्त कागज है। हैव यू इनफ रूम फॉर सिटिंग। यहाँ रूम का अर्थ है जगह। तुम्हें बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। दे हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे है। टू स्टडी यानी अभ्यास करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो इस तरह से यह वाक्य का मतलब होगा, मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। पांचवा, वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यानी तुम सुबह कब उठते हो। टू गेट अप यानी उठना, सुबह को उठना। रात को सोने के लिए टू गो टू बेड का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, ऐसे ही अर्थ दर्शाने वाले कुछ वाक्यों को देखते हैं। डू यू गेट अप अर्ली, अर्ली यानी जल्दी। तुम जल्दी उठते हो। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू गेट अप, आफ्टर यानी बाद में। तुम उठने के बाद क्या करते हो। डू यू गो टू बेड अर्ली, तुम जल्दी सो जाते हो। व्हाट डू यू डू बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यानी पहले। सोने से पहले तुम क्या करते हो। इस तरह से बिफोर और आफ्टर
एक दूसरे के विरोधी शब्द है। 6. I get up at half past six. At half past six, यानी 6:30 बजे। Half यानी आधा। उदाहरण के लिए a half apple या half an apple यानी आधा सेब। A half hour या फिर half an hour यानी आधा घंटा। Take that half apple, वह आधा सेब लो। या take half an apple यानी आधा सेब लो। A half hour has 30 minutes, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। I have worked for half an hour, मैंने आधे घंटे तक काम किया। लगभग आर्टिकल ए, एन और ध को हाफ के बाद ही रखा जाता है। पास्ट यानी बीता हुआ या फिर गुजर गया हुआ। यह टू पास क्रियापद का भूतकृदंत है। टू पास यानी गुजर जाना। भूतकाल के लिए पास्ट टेंस और भूतकृदंत के लिए पास्ट पार्टिसिपल शब्द का उपयोग होता है। उन शब्दों के यही अर्थ है। हाफ पास्ट सिक्स यानी कि 6:30, हाफ पास्ट सेवन यानी कि 7:30 इत्यादि। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।